जी इस पर जो मेरे कारखाने में प्रोडक्ट तैयार हो रही है इसे कोल्हापुरी कहते हैं, और इस पर जो ट्रेंड चला हुआ है हमारी ख़वातीन के अंदर पाकिस्तानियों में वो चला हुआ है पजामे का और कुर्ते का, उसके हवाले से जो सूट करती है चप्पल वो कोल्हापुरी होती है। इंडिया में तो इसका क्रेज़ था ही था, लेकिन अब यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी ये क्रेज़ बहुत आम हो गया है कोल्हापुरी का। देखिए जी ये हम जो बनाते हैं ये कैजुअल है, ये बाकी जो ब्राइडल आइटम होते हैं वो फिर ब्राइडल उसकी इवेंट्स के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन इस दौरान हमारे पास जो कैजुअल होता है ये ऐसा है कि आप इसे पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं और कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। ईद के अंदर यही चलता है जिसका मैंने बताया ना कि इसके अंदर कुछ नगीनों की वैरायटी होती है, डायमंड्स वगैरह भी लगे होते हैं, या ये बक्कल्स की फिटिंग होती है, गोल्डन बक्कल्स होते हैं इम्पोर्टेड, ये ज़्यादा नहीं। लागत के हवाले से तो ये है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब है इसमें तो मुख्तलिफ आइटम की मुख्तलिफ लागतें होती हैं। आई थिंक नियर अबाउट बहुत भी हम करेंगे तो ये कम से कम भी तकरीबन 600 रुपए की आती है एक शूज़ पे। भाई उससे फ़र्क आया, पहले काम जो है कम थे कारखानों के अंदर, अब जब से चाइना का माल आना थोड़ा कम हुआ है ना तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, उससे ये फ़र्क पड़ा है। हमारी थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ गई है काम की, ये फ़र्क पड़ा है। हाँ पाकिस्तानी माल की डिमांड बढ़ गई है और इसी तरह रहा तो इंशाल्लाह आगे और डिमांड बढ़ेगी।